लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। मासल के शंकरपट में ट्रैक्टर रिवर्स रेस का थरार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैलों की रेस पर बैन लगाने के बाद महाराष्ट्र राज्य में बैलों के शंकरपट बैन हो गए, लेकिन इस समस्या पर हल निकालते हुए भंडारा जिले के ग्राम मासल के ऐतिहासिक शंकरपट में ट्रैक्टर रिवर्स रेस का आयोजन किया गया था। बताया गया कि मासल के शंकरपट को विगत 250 साल का ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ है। मकर संक्रांति के बाद तीसरे रविवार को यहां बैलों के पट का आयोजन करने का रिवाज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन लगने से किसानों को सबसे बड़े इस त्योहार से वंचित रहना पड़ रहा है। अब पर शौकीन लोगों की उम्मीदों को देखते हुए इस वर्ष मासल में ट्रैक्टर रिवर्स रेस का आयोजन किया गया। खेळ पहिल्यांदा खेळ होतो आणि त्याच्यावरती सुरका सुद्धा कायद्याने बंदी आली होती, पण तिथल्या लोकांनी प्रचंड संघर्ष केल्यानंतर जलीकुट्टीचा कार्यक्रम परत एकदा सुरू झाला आणि तिथे ग्रामीण भागातले लोक परत त्या खेळाचा आनंद घेऊन राहिले। परंतु आपल्या भागातले पटावरची बंदी मात्र दूर झाली नाही। मित्रांनो, या पटाच्या निमित्ताने मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि एक गोष्टीचा खास करून उल्लेख करतो की जरी पटावरती बैलांच्या पटावरती बंदी आली असेल तरी आमच्या काही मंडळाच्या उत्साही तरुणांनी अजूनही आपला पुढाकार मात्र सोडला नाही। या निमित्ताने ट्रॅक्टरची शर्यत रिवर्स मध्ये ट्रॅक्टर घेऊन त्याची शर्यत सुरू ठेवली, जेणेकरून आपल्या परिसरातले लोक एकत्रित यावे, त्यांचा उत्साह कमी होऊ नये। हा एक प्रयत्न या मंडळाचे लोक आजही करतात आहेत। मला त्यांचं या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अभिनंदन आणि कौतुक करावं असं वाटतं। मित्रांनो, तुम्हाला परत एकदा शंकरपटाच्या शुभेच्छा देतो। येणारं वर्ष तुम्हाला सगळ्यांना आपण पूर्तता केली पाहिजे म्हणून इथल्या पट समिती ब्रेकांनी ह्या दिवसाचा महत्व कमी होऊ नये आणि जनतेला याचं महत्व पटलं पाहिजे। हा पट आपल्याला बालूभाऊ चुन्ने, त्याचप्रमाणे बाजार समितीचे अध्यक्ष राऊतजी, त्याचप्रमाणे देवदास फुंडे उपसरपंच उपसभापती, त्याचप्रमाणे या गावच्या सरपंचताई, त्याचप्रमाणे आमच्या या तालुक्याचे काँग्रेस अध्यक्ष सन्माननीय मावाडे। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। शंकरपट पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने के बाद में आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर पहला प्रयोग मासल के अंदर किया जा रहा है कि यहाँ पर बैलों के जगह पर ट्रैक्टर की रेस लगाई गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भारी मात्रा पे ये पट शौकीन लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, किसान लोग आए हुए हैं, मजदूर लोग आई हुई है और यहाँ पर बहुत बड़ी आनंद ले रहे हैं ट्रैक्टर रेस का। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि इनको इस पट का कैसा आनंद मतलब मिल रहा है, कैसा आनंद महसूस कर रहे हैं। दादा बताइए, ये जो ट्रैक्टर की रेस यहाँ पर शुरू है आपको कैसा लग रहा है? ठीक है ना? ठीक है। इसके पहले आपने कभी ट्रैक्टर की रेस देखी थी? नहीं। ये क्यों हो गया ऐसा? ट्रैक्टर लगाने क्यों पहले बैलों का पट भरता था? हाँ, पहले ट्रैक्टर जी। अभी क्यों ऐसा, ट्रैक्टर का क्यों हो गया ऐसा? आपको लग रहा है कि अच्छा मतलब ये ट्रैक्टर का जो रेस चल रही है आपको आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। वो जी बोल रहे कि बड़ा आनंद आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है कि काफी उनको अच्छा लग रहा है, उनको मजा आ रही है और इस आनंद को लेते हुए काफी लोग यहाँ पर आए हुए हम आए और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? गोविंद बांगरे।
ये जो ट्रैक्टर की रेस लगाई गई है आपको, इसके पहले आपने कभी देखी है? नहीं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मार्शल का शंकर पट बोलो तो फेमस है पूरे विदर्भ, लेकिन इस बार बैलों का शंकर पट नहीं, ट्रैक्टर का पट भरा हुआ है। हाँ, तो इसलिए सब लोग आए नहीं यहाँ पे। ऐसी नौबत क्यों है, कैसा है, मतलब क्यों भरा गया? यानी के कुछ तो भी ऐसा नहीं क्या होने का होना ना, साल में एक बार आता है वो। साल भर एक बार आता है, इसलिए होना चाहिए, किसानों के लिए अच्छा है। हाँ, अच्छा है। आपका नाम क्या है? गोविंद बांगरे। गोविंद बांगरे जी ने बताया कि किसानों के लिए बहुत अच्छा है करके बताया, और ऐसी एक साल भर में ऐसी पट होना चाहिए करके इनका ये कहना है। आए और कुछ लोगों से बात करते, क्योंकि अभी ये शंकर पट का मतलब ट्रैक्टर रेस का अभी आखिरी जोड़ी यहाँ पर आने वाली है, आखिरी दो ट्रैक्टर की रेस लगने वाली है, और ये पहले नंबर के विजेता होने वाले हैं। और पहला नंबर का जो प्राइज है 10,000 रुपये का लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान लगाने के बाद में पहली बार ट्रैक्टर की रेस, मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर पहली बार भंडारा जिले के मासण में ये पहली बार रेस हो रही है। आइए हम कुछ बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, ये आज शंकरपट का आयोजन यहाँ पर किया गया, आज का फाइनल डे है, और खास करके ट्रैक्टर की रेस लगाई गई, ये ट्रैक्टर की रेस का आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा आनंद लग रहा है? ये आनंद तो बहुत ही है, आज तक ऐसी ट्रैक्टर की रेस देखी नहीं है। बैलों की रेस देखने में मजा आती है, फिर भी ट्रैक्टर की नई नई रेस है, इसलिए मैं मजा आ रही है और खुल के लोग देख रहे हैं। लेकिन मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बयान लगाया, बैलों के शंकर पट के ऊपर बयान लगा दिए, कुछ पर्यावरण मित्रों ने मतलब उनके ऊपर जो अत्याचार होता है करके एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और उसके ऊपर बयान लगा दिए। आपको क्या लगता है कि बैलों का शंकर पट चालू होना चाहिए? चालू होना चाहिए शंकर पट, और ये अन्याय जो बोल रहे हैं गवर्नमेंट, वो अन्याय नहीं है। काश्तकारों का एक खुशी का क्षण है, उसके वजह से बैलों की हिफाजत होती है, बैल जोड़ी की कमतरता जो आज भास रही है तो उसके वजह से भी कम हो रही है, उसके वजह से पट के वजह से लोग नए जोड़ी या बैल खरीदते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, अच्छी तरह से उसका संगोपन करते हैं और वो पट के लिए यूज में करते हैं, बाद में खेती के लिए यूज करते हैं। किसानों के खुशी के लिए और दोबारा चालू होना चाहिए, दोबारा चालू होना चाहिए। हमारे डॉक्टर कुटे साहब ने बताया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर संकर बैलों का संकर पट चालू हो जाता तो किसानों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होता, जो किसानों के लिए खुशी की बात हो सकती है। आइए हम और, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, मतलब हजारों के तादाद पर लोग यहाँ पर देख रहे हैं और बहुत सारा आनंद लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आखिरी का पट है, आखिरी की जोड़ियाँ भी आने वाली, आखिरी का जो दो ट्रैक्टर की रेस अभी आखिरी एक नंबर के लिए उनकी जोड़ी होने वाली है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह यह विदर्भ का सबसे बड़ा संकट पट होता है मासण का, और यह मासण नाम से ही, पट के नाम से ही फेमस है, और यहाँ खास करके इस गांव की जो प्रथा थी कि यहाँ के शंकर पट के लिए लाखों के तादाद में लोग आते थे, साल भर में एक बार ये तो एक त्यौहार होता था और काफ़ी खुशियाँ मनाई जाती थी, किसानों का खास करके ये त्यौहार मतलब मनाया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ पर्यावरणवादियों ने अपना याचिका दाखिल करने के बाद में बैलों के शंकर पट के ऊपर बैन लगा दिया। अभी त्यौहार जो किसानों की खुशियों को तो मार नहीं सकते, किसी को खुशी तो खुशी होती है, आखिर बैलों का शंकर पट न बराती हुई है आधुनिक युग, क्योंकि आजकल ट्रैक्टर का भी ज़्यादा इस्तेमाल खेती के लिए होता है, किसानी के लिए होता है, इसको देखते हुए यहाँ के समिति ने ट्रैक्टर का रेस यहाँ पर रिवर्स रेस लगाई गई है। अभी यहाँ पर आखिरी जोड़ी, मतलब जोड़ी कह सकते हैं क्योंकि शंकर पट के भाषा में हम जोड़ी कह सकते हैं, अभी आखिरी ट्रैक्टर की दो ट्रैक्टर की रेस यहाँ पर लगने वाली है, जो एक नंबर के लिए यहाँ पर आएगी, जिसका प्राइस 10,000 रुपये का यहाँ पर दिया गया है। आइए हम कुछ लोग, बहुत सारे लोग किसान यहाँ पर आए हुए हैं, आइए हम किसानों से भी बात करने की कोशिश करते, खास करके युवा वर्ग यहाँ पर आए हुए, आजकल नए लड़कों को, नए बच्चों को, नए युवाओं को इस शंकर पट के बारे में, ट्रैक्टर के रेस के बारे में क्या लगता है, आइए इसके बारे में चर्चा करते। भाई आपका नाम क्या है? विक्की वांड्रे जी, क्या लगता है आपको ये ट्रैक्टर की रेस यहाँ पर लगाई गई है? आज तक आपने कभी ट्रैक्टर की रेस देखी है? नहीं। क्यों नौबत आई ट्रैक्टर की रेस की? किसानों के ऊपर ऐसी नौबत क्यों आई कि जो ट्रैक्टर की रेस लगानी पड़ी? क्योंकि जोड़ी हकलने में वो पाबंदी लगाई इसलिए। अच्छा, पाबंदी है इसलिए। अभी ये आधुनिक युग में ट्रैक्टर मतलब एक कोई यंत्र है ना, उसका भी ज्यादा इस्तेमाल किसान करते हैं, और बैलों की जगह अगर ट्रैक्टर की रेस कंटिन्यू रही तो चलेगा, या फिर दोबारा बैलों की रेस चालू होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान लगा था, कुछ पर्यावरण प्रेमियों ने याचिका दाखिल की है कोर्ट में, उसको मतलब खारिज करके दोबारा से सरकार ने परमिशन देना चाहिए, कोर्ट ने परमिशन देना चाहिए, ताकि ये किसानों के लिए अच्छा रहेगा। देखिए किसान मतलब युवाओं का भी ये कहना है कि
युवाओं का भी ये कहना है कि कम से कम बैलों का अगर दोबारा संकर पट चालू हो जाएगा तो ये किसानों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये आखिरकार किसानों के लिए एक साल भर में जो खेती बाड़ी के काम होने के बाद में जो खाली समय मिलता है, वो खाली समय का इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ा त्यौहार के रूप में इस संकर पट को देखा जाता था। लेकिन यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने बयान लगाने के बाद में निश्चित रूप से किसानों को नाराजगी आई है। कुछ पर्यावरणवादियों ने, पता नहीं जिन्होंने कभी खेती की नहीं होगी, किसानी की नहीं होगी शायद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के बाद में यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बयान लगा दिया। फिर भी किसानों का आनंद है, किसानों की खुशी है, और किसानों की खुशी के लिए यहाँ पर बैलों की जगह पर ट्रैक्टर का रिवर्स रेस का आयोजन यहाँ पर किया गया। आज का अंतिम दिन है और अभी इस रेस का आखिरी जोड़ी, आखिरी दो ट्रैक्टर की जोड़ी अभी यहाँ से निकलने वाली है। आइए हम देखते हैं कुछ ही समय में यहाँ पर अभी आखिरी ट्रैक्टर की रेस यहाँ से शुरू होने वाली, जो एक नंबर के लिए फाइनल की जाएगी और जिसका प्राइस 10,000 रुपये का है। सीरीज का पहला प्राइस तो कहां नहीं जा सकता, फिर भी खेल है दोस्तों, खेल में खेल पराजित हो सकता है, कौन जीतेगा तो कुछ कहां नहीं जा सकता। संदीप जो पांडनावर से दूसरा नंबर के लिए खेल गए, संदीप जो पांडनावर से अतुल बालोडिया थ्री दो नंबर के लिए। सज्जनों अतिथि का सामना है, कौन जीतेगा तो कुछ तो कहा नहीं जा सकता। ड्राइवर काफी तेज है, काफी तूफानी, जो कट गया दोस्तों इस जिंदगी में वो भी कट गया, मगर ये खेल है, खेल खेल में कौन जीतेगा कुछ तो कहा नहीं जा सकता। त्यानंतर दुसऱ्या नंबरचे पारितोषिक आहेत
मासल के ऐतिहासिक शंकरपट में इस वर्ष ट्रैक्टर का रिवर्स रेस की मतलब स्पर्धा का आयोजन किया गया था। अभी अभी स्पर्धा खत्म हो चुकी है और इस स्पर्धा के लिए पहला दूसरा तीसरा क्रमांक का पारितोषिक भी यहाँ अभी वितरण किया गया। पहले नंबर पर जिन्होंने इस रेस को जीता है जिसकी पुरस्कार राशि 10,000 रुपये थी वो हमारे साथ में अभी इच्छुक वक्त हमारे साथ में है और आइए हम इनसे बातें करते हैं कि ये ट्रैक्टर रेस जीतने के बाद इनको कैसा लग रहा है। आपका नाम क्या है? रामू कावड़े पावल दोना। रामू कावड़े पावल दोना, आपने जो रेस जीती है पहला क्रमांक आपने बक्षीस जीता है, कैसा लग रहा है आपको? आम्हाला तर बहुत चांगला लागू वाटला। आम्हाला म्हणजे आता आम्ही कधी येत नव्हतून, आता जवळचा काम असल्यामुळे आम्हाला माहीत झाला, त्यामुळे आम्ही येऊन गेलो आणि आपला गाडी घेऊन सुद्धा आलो। क्या 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 आपने तयारी की थी? मतलब रिवर्स में गाडी लाना था, है ना, रिवर्स में गाडी लाना था, तो इसकी आपने कुछ प्रैक्टिस वगैरह की थी? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं, कुछ नहीं की थी। और मतलब अपने मतलब जो हर बार जो चलाते हैं गाड़ी चलाते हैं उसका अनुभव आपके काम में आ गया, आपने पहला बक्सीस जीता है, चलो आपका अभिनंदन। अब गाड़ी मालक भी हमारे साथ में आए, इनसे बात करते कि आपने भी मतलब अपनी गाड़ी इस रेस में लगाई, आप कैसा महसूस कर रहे हो? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे को छाती मेरी ऐसी फूल रही है कि मासड़ में आके मैं मासड़ में ही काम करता हूँ, इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है कि इधर ही इलाके में अपनी गाड़ी फर्स्ट प्राइज जीता हूँ। क्या लगता है ऐसे ट्रैक्टर अभी, क्योंकि बैलों का रेस तो बंद हो गया, बैलों का शंकरपट तो बंद हो गया, अभी आधुनिक मतलब ट्रैक्टर के भी चालू हो गया, तो ऐसी रेस हर बार होना चाहिए? होनी चाहिए, और मासड़ का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, हर साल के दो अढ़ी साल की इनकी परंपरा है बैल की शंकरपट की, और उन्होंने इस साल ट्रैक्टर का रिवर्स रेस रखा है, तो इसलिए मैं इस मंडल का और इस मासड़ गाँव वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए क्या होगा कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर नहीं समूचे देश के अंदर ये पहली बार ऐसा होगा कि ट्रैक्टर की रेस लगाएगी, क्योंकि शंकरपट के ऊपर बैलों के पटों के ऊपर बैन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, और वो बैन को देखते हुए पहली बार पूरे देश के अंदर मासड़ के अंदर ट्रैक्टर का रिवर्स रेस यहाँ पर लगाई गई और पूरी मतलब सफलतापूर्वक इसको मतलब संपन्न की गई, और काफ़ी किसान खुश भी है क्योंकि यहाँ पर रेस में हिस्सा लेने वाले जो लोग थे काफ़ी किसानी करने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, और किसानों का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था कि बैलों का शंकरपट महत्वपूर्ण था उनके लिए, वो भले ही बंद हो गया लेकिन ट्रैक्टर की रेस यहाँ चालू होने के उससे किसान बड़े खुश है, यही आज के इस इनके कहने पर से दिखता है। मैं निषाद लांजेवार, MNS न्यूज़ भंडारा। मुझे अपना नाम बताइए और ये शंकरपट का आयोजन का मतलब करने का पीछे का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपने जो ट्रैक्टर रिवर्स रेस का आयोजन यहाँ पर किया था, ये ट्रैक्टर का रेस लगाने का मतलब पीछे का मकसद क्या था? मेरा नाम लाल प्रसाद श्यामदेव गोंडाने, मासड़, तालुका लाकांदूर, जिला भंडारा, यहाँ का मैं रहने वाला नागरिक हूँ, इस पट समिति का सचिव हूँ, इस नाते मैं आपसे मुलाकात दे रहा हूँ। हमारे मासल में कई ढाई वर्षों से बैल की शरीयत की पट शंकरपट रहती थी, मगर इस शंकरपट के कुछ समिति ने न्यायालय में अपील की थी, इसी वास्ते वो बैल के शरीयती पे बंदी लाई थी, तो ये हमारा मासल का बैल का शरीयती का शंकरपट ऐतिहासिक है, इसी वास्ते इसकी परंपरा और इस एरिया के सब शेतकरी इस बैल के शरीयती के वास्ते या मासल में दो तीन दिन का
एक एंड दो दिन का शंकर पट का आयोजन किया रहता था। इसी वास्ते हमने सभी शेतकारी या शेत मजदूर सभी एक संगठित रहे और यहाँ के सभी शेतकारी लोगों का मुलाकात होती रहती थी। इसी वास्ते बैल की शरीयत पे बंदी लाने से वक्त हमने ये बैल यानी ये अभी तांत्रिक युग में ट्रैक्टर रहता है, बैल के वजह से हमने ये परंपरा कायम रखने के वास्ते ये ट्रैक्टर रिवर्स की शरीयत रखी और ये परंपरा कायम रहने की हमारी ये परंपरा रहे। इसी वास्ते ये ट्रैक्टर के शरीयत की आयोजन हमने मासड़पट समिति से पूरे किए गई। पट समिति के सचिव लाल प्रसाद गुंडानी जी हैं, इन्होंने बताया कि ये मासड़ की जो 250 साल की परंपरा जो है वो परंपरा को कायम रखने के लिए भले ही सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बैल के संकर पटक के ऊपर शरत के ऊपर बयान लगाया हो, लेकिन इस परंपरा को कायम रखते हुए 250 साल की परंपरा को कायम रखते हुए मासड़ के मासड़ में इस बार ट्रैक्टर रिवर्स रेस का आयोजन किया गया और काफ़ी सफलतापूर्वक भी इस रेस का आयोजन किया गया और कई हजारों लोगों ने इसका आनंद लिया। मैं निषाद लांजवार, MNS न्यूज़, मंडरा। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।